हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफी ज्यादा बढ़िया होंगे। और दोस्तों, जो टेक न्यूज थी हम लोग के चैनल पे डेली बेस पे नहीं आ पा रही थी, क्योंकि काफी सारे टेक्निकल इश्यूज यहाँ पे हो गए थे, बट अब सब कुछ सही हो गया है और अब आपको जो टेक न्यूज है वो डेली बेस पे देखने को मिलेगी। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे नथिंग के बारे में। तो नथिंग की तरफ से काफी बड़ी यहाँ पे खबर आ रही है। नथिंग लेके आने वाला है अपनी स्मार्ट वॉच। तो ये जैसे कि अभी आपको पता है कि उनके फोन आ चुके हैं, ईयरबड्स आ चुके हैं, तो अब वो स्मार्ट वॉच पे काम कर रहे हैं। और पे काल पे ने कुछ ट्वीट भी किया था जहां पे उनकी जो गैलेक्सी स्मार्ट वॉच लोग रिव्यू कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ काफी सारे रूमर्स हमको देखने को मिल रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि स्मार्ट वॉच आनी चाहिए नथिंग की, नहीं आनी चाहिए? और अगर नथिंग ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ स्मार्ट वॉच लॉन्च करता है तो काफी ज्यादा क्रेजी ये डील बन जाएगी। और क्या प्राइसिंग होने वाली है वो तो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। इसे देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। अब एग्जैक्टली कोई कमिटमेंट यहां पे नथिंग या कार्पे ने नहीं किया है, बट यहां पे कुछ रूमर्स यहां पे ऐसे बताए जा रहे हैं कि स्मार्ट वॉच आने वाली है। और अगर बात करें नथिंग फोन 2 के बारे में, तो आप लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो नथिंग फोन 2 के बारे में। और यहां पे एक रूमर्स के यहां पे देखते हुए यहां पे निकला है कि नथिंग फोन 2 का जो चार्जर होने वाला है, उसकी जो डेटा केबल यहां पे देखने को मिलेगी, वो आपको ट्रांसपेरेंट देखने को यहां पे मिलेगी, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग यहां पे देखने को लगी। मैं आपको जो स्क्रीन पे फोटोज वगैरह दिखा रहा हूं, जो कि काफी मस्त देखने में लग रही है। और मेरे हिसाब से अगर अडैप्टर भी इनका जो ट्रांसपेरेंट हो जाता है तो डेफिनेटली काफी ज्यादा अमेजिंग लगेगा। चलिए फिर देखते हैं कि नथिंग फोन 2 के साथ एग्जैक्टली क्या क्या ये लोग लॉन्च करते हैं और काल पे क्या क्या इनोवेशन फ्यूचर में लेके आता है, वो तो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। और अगर बात करें एप्पल वालों के बारे में, तो एप्पल वाले बिल्कुल पागल हो गए हैं, क्या ही कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो एप्पल ने अब यहां पे कमिटमेंट कर दिया है कि जो ओरिजिनल एप्पल होता है उसका भी वो कॉपीराइट अपने पास लेने वाला है। अगर आप या कोई भी कंपनी जो कॉमर्शियल कंपनी है, वो अगर रियल एप्पल का जो फोटो है वो अपने कॉमर्शियल या बिजनेस रूल पर यूज करती है, तो एप्पल अब उसको स्ट्राइक दे सकता है, कॉपीराइट दे सकता है, और ये सारी दिक्कतें हो सकती है। अभी ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, बट एप्पल की तरफ से ये न्यूज जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। और जैसे कि आपको नकली एप्पल और रियल एप्पल के बीच में लड़ाई चल रही है बहुत तेजी से, और देखते हैं कि कौन जीतता है। वैसे रियल एप्पल भी अब एप्पल नकली एप्पल का ही होने वाला है, तो देखते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या न्यूज आती है, वो तो आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। बाकी ये सारी कॉन्ट्रोवर्सी तो यहाँ पे चली रही है। और अगर बात करें यहाँ पे इंडिया के बारे में, तो इंडिया का जो एक्सपोर्टिंग सिस्टम है बहुत ज्यादा बढ़ के आया है। मैं यहाँ पे स्पेशली स्मार्टफोन्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। 2023 के अंदर यहाँ पे 90,000 करोड़ के फोन्स यहाँ पे बेचे गए हैं। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो 2024 में 1,20,000 करोड़ की मार्केट को लोग कैप्चर करने वाले हैं। तो ये जो नंबर है वो काफी बड़ा नंबर होता है, और इतनी ज्यादा मार्केट कैप्चर करना। और वैसे भी आप लोगों को पता है जो स्मार्टफोन यूजर्स है बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले जो बच्चे थे भी स्मार्टफोन्स नहीं यूज करते थे, बट आजकल के बच्चे भी काफी ज्यादा कंज्यूम करते हैं स्मार्टफोन्स। वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप लोग को क्या लगता है कि जो बच्चे हैं उनको स्मार्टफोन यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर बात करें यहाँ पे Realme के बारे में, तो Realme वाले बहुत दिन से सांस थे, तो अब लेके आने वाले Realme Nazo 60 सीरीज, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डेफिनेटली काफ़ी अच्छा कैमरा। 50 सीरीज इनकी काफ़ी अच्छी थी, तो अब 60 सीरीज यहाँ पे आने वाली है, जहाँ पे आपको जो प्रोसेसर होना पड़ रहा है कि यहाँ पे आपको MediaTek 6080 प्रोसेसर देखने को यहाँ पे मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर यहाँ पे होने वाला है। और यहाँ इस सीरीज के अंदर काफ़ी सारे और सब मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगे, प्रो वगैरह प्लस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं कि Realme क्या करता है और कितनी अच्छी प्राइसिंग के साथ इसको लॉन्च करता है, क्योंकि प्राइसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है Nazo सीरीज के लिए, क्योंकि इनकी जो Nazo सीरीज होती है डेफिनेटली बजट रेंज को काफी ज्यादा टारगेट की जाती है। तो डेफिनेटली देखते हैं कब ये लॉन्च करते हैं और कितनी ज्यादा प्राइसिंग यहां पे होने वाली है। और अगर बात करें OnePlus वालों के बारे में, तो OnePlus वाले मतलब अतरंगी काम तो करते रहते हैं, मगर कभी कभी अच्छा काम भी कर देते हैं। तो यहां पे OnePlus फोल्डेबल फोन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। सुना मैं पढ़ा सितंबर में ये लोग लॉन्च कर देंगे, जहां पे आपको काफी सारी चीजें नई देखने को भी मिल सकती है। जो मॉडल्स हैं वो भी काफी अच्छे यहाँ पे होने वाले हैं। जो डिजाइन वगैरह दिख रहा है काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। जैसे फोल्डेबल फोन्स में ज्यादातर सिंपली डिजाइन होता है, नॉर्मली फोल्ड होता है, तो उसमें क्या ही इनोवेशन कर सकते हैं, बट कैमरा जो है और बैक में जो लेदर दिया हुआ है काफी अच्छा लग रहा है। देखते हैं क्या क्या लॉन्च करते हैं। वैसे OnePlus Nord 3 और OnePlus Nord C3 यहाँ पे लॉन्च होने वाला है, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग, क्योंकि OnePlus Nord 3 तो आपको Ace 2V के साथ ही यहाँ पे आने वाला, जो कि चाइना के अंदर लॉन्च हो गया था, तो वही यहाँ पे रिब्रांडिंग होने वाली है। वैसे जो इनका
OnePlus C3 जो है वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा यहाँ पे फ़ोन होने वाला है। कैमरा वगैरह परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिलेगी, बट यहाँ पे सुनाई में पड़ रहा है जो प्राइसिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा जंप आपको देखने को मिलेगा। Ace 2V जो कि आपको OnePlus Nord 3 रिब्रांड होकर आएगा वो आपको उसी प्राइसिंग के साथ आपको 30-35 के आसपास देखने को मिलेगा, बट जो C3 है उसकी प्राइसिंग डेफिनेटली थोड़ी सी यहाँ पे इंक्रीज हो सकती है और बजट रेंज को लोग टारगेट यहाँ पे करने वाले हैं। और OnePlus अगर अभी इस प्रेजेंट टाइम में काफ़ी अच्छे फ़ोन इन लोगों ने निकाले हैं तो C3 और Nord 3 के बीच में क्या कॉम्पिटिशन यहाँ पे होने वाला है और कितनी अच्छी प्राइसिंग के साथ इसको लॉन्च करेंगे वो तो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। तो आप बताइए कि आप लोग को हमारी टेक्न्यूज़ कैसी लगती है और किस टेक्न्यूज़ के लिए आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएगा। कौन सा फोन आप इस समय प्रेजेंट टाइम में यूज़ करते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। चलिए फिर आज के वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।